हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दोस्तों, आज की हीरो फीरो गेम की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज ना हमारे वाइस सामने भाई मुझको ना वो बुलाने लग रहा है भाई, नेवी लिटिल सिंघम, जो कि गाइस अपने भाई लिटिल सिंघम के घर पे ही रहता है। तो गाइस हमें ना भाई उसके पास जाना पड़ेगा, पता नहीं दोस्तों क्यों बुलाने लग रहा है। तो चलो यार गाइस जल्दी से चलते भाई उसके पास, भाई नेवी लिटिल सिंघम के पास। तो गाइस यहाँ पे हमारी बहुत ही मस्त बाइक खड़ी हुई है, तो गाइस जल्दी से भाई इसी बाइक के साथ चलते भाई। और गाइस ये वाली बाइक ना काफी ज्यादा मस्त है भाई, आप देखो भाई इस वाली बाइक को। तो गाइस बाइक तो ये काफी ज्यादा मस्त है, पर दोस्तों इसकी शायद एक भूल है भाई, ये बहुत जल्दी ठुक भी जाती है और दोस्तों मैं इसके ऊपर से गिर भी जाता हूँ। पर दोस्तों मुझको अब डर भी लगने ना, मैं गिर ना जाऊँ। अबे नहीं यार, ये देखो मैं फिर से गिर ही गया। मैं कह रहा था कि मैं गिर ना जाऊँगा और दोस्तों मैं गिर ही गया। दोस्तों इस वजह से मुझको ये वाली बाइक ना थोड़ी बहुत बेकार लगती है, पता नहीं क्या बात है। तो गाइस चलो भाई जल्दी से ना हम इस वाली बाइक को लेके चलते भाई लिटिल सिंघम के घर पे, वो नेवी लिटिल सिंघम के घर पे। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं। अबे नहीं यार, फिर से ठुकी ये वाली बाइक, पूरी बेकार बाइक है, पता नहीं दोस्तों इस बाइक से यार कुछ भी कह लो भाई, अच्छी बाइक है दोस्तों, जितनी बार भी कहेंगे दोस्तों उतनी बार ही ठोक देते हैं हमको, बेकार बाइक। चलो दोस्तों अब चलते हैं जल्दी से भाई। पहले से दोस्तों इसने हमारे साथ दो एक्सीडेंट करा दिए भाई बाइक ने। गाइस इस बाइक को ना बहुत दिनों से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं भाई इसका एक्सीडेंट हो ही जाता है, पता नहीं क्या क्या बाइक है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आती दोस्तों इसकी मुझे। तो चलो गाइस बस हम पहुंच गए भाई, ये रहा उसका घर पे घर, मतलब दोस्तों उसका घर यही है दोस्तों। यहाँ पे भाई अपने दोनों लिटिल सिंघम रहते हैं दोस्तों, नेवी वाला लिटिल सिंघम भी और दोस्तों वो वाला भी पुलिस वाला। तो गाइस चलो जल्दी से भाई इस घर के अंदर चलते हैं और गाइस फिर उनसे बात करेंगे भाई, नेवी लिटिल सिंघम से। चलो गाइस यहाँ पे हम ना जल्दी से भाई रुक जाते हैं, उतर गए भाई अपनी बाइक से। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं और गाइस फिर उससे बात करेंगे कि क्या हो गया आखिरकार। तो गाइस यहाँ पे देखो दोस्तों वो रहा भाई उसका घर, तो दोस्तों उसको आवाज देते हैं। अबे नेवी लिटिल सिंघम मैं आ गया भाई, अबे लिटिल सिंघम मैं आ गया भाई, रो पीरो रो पीरो। तो तुम आ गए इतनी ज्यादा देर के बाद भाई, इतना ज्यादा इंतजार कराते हो तुम तो, रो पीरो। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है भाई लिटिल सिंघम, पर मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है, किस काम से बुलाया है। रो पीरो, मुझे ना एक बहुत मस्त कार चाहिए, वो है ना स्कॉर्पियो वाली, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मुझे ना वही वाली कार चाहिए। मुझे पता पड़ा है कि अपने वाइस टाउन में ना महिंद्रा की स्कॉर्पियो वाली कार आई हुई है, तो तुम ना मेरे लिए वो वाली कार ले आओ कहीं से भी जाके। अरे नहीं नहीं लिटिल सिंघम, वो कार तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी, तुमने कहाँ से देख ली, अपने हमारे वाइस टाउन में वो वाली कार तो है ही नहीं, स्कॉर्पियो कहाँ पे मिलेगी मुझको नहीं पता लिटिल सिंघम। अरे नहीं नहीं रो पीरो, मैंने ना उस वाली कार को देखा है, तुम ना कहीं से भी जाओ और उस वाली कार को देख के लाओ भाई मेरे लिए, कहीं से भी जाके जल्दी से जाओ, मैं ना जा रहा हूँ, जल्दी से लेके आना मेरे लिए उस कार को कहीं से भी। अबे गाइस यार ये क्या कहने लग रहा है कि भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो, पता नहीं गाइस ये वाली कार तो भाई मैंने देखी नहीं भाई अपने वाइस टाउन में, ये कहाँ से आ गई। तो गाइस मुझे तो पता नहीं, ये दोस्तों कह रहा है कि इसने देखी है दोस्तों, इसे चाहिए भाई यार, फिर से डूब गया। ये जेट पैक भी बेकार है भाई, कभी कभार ये बेकार काम कर देते भाई, गिरा देते भाई ये भी हमको कभी कभार। तो गाइस हम ना ऐसा ऐसा करते हैं भाई, उसके पास चलते भाई टिप्सन के पास, फिर गाइस हम ना उसी से पूछेंगे कि भाई अपने हमारे वाइस टाउन में भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो कार आई हुई है तो वो हमको मिलेगी कहाँ भाई, मैंने तो आज तक देखी भी नहीं है भाई कहाँ पे मिलेगी। तो चलो गाइस जल्दी से चलते उसी जगह, फिर दोस्तों देखते हैं कहाँ पे मिलेगी वो वाली कार। अबे नहीं यार फिर से ठुक गई भाई, पता नहीं क्या ये वाली बाइक पूरी बेकार है भाई, कितनी बार ढुकेगी भाई, ये चार से पांच बार ढुक गई भाई ये वाली बाइक, बेकार बाइक। पर दोस्तों हमारे पास फिलहाल तो यही है, तो दोस्तों हम ना ऐसा करते हैं इस वाली बाइक को ना यहाँ पे आराम से खड़ा कर देते हैं। अब दोस्तों टिप्सन के पास आ गया भाई, जल्दी से पूछते हैं कि भाई अबे टिप्सन वो ना हमारे वाइस टाउन में वो आई हुई है इस महिंद्रा स्कॉर्पियो कार, वो कह रहा है मुझसे लिटिल सिंघम, अब मुझे बता वो कार मुझे मिलेगी कहाँ पे, वो मंगा रहा है अपने लिए उस कार को। अरे रो पीरो, मैंने तो देखी नहीं है हमारे वाइस टाउन में कोई सी भी महिंद्रा स्कॉर्पियो वाली कार, अरे तू गलत बोल रहा है कुछ। अरे नहीं नहीं टिप्सन, वो है ना नेवी वाला लिटिल सिंघम, उसने मुझसे कही है कि उसने हमारे वाइस टाउन में ये वाली कार देखी, अब मैं बता कहाँ पे देखूँ, मुझे बस तू बता दे कि मुझे वो कार मिलेगी कहाँ पे। अबे रो पीरो, अगर ऐसी बात है ना तो तू ना ऐसा कर, उसके पास जा भाई कार डीलर के पास, फिर तू उससे जाके पूछे भाई, अगर आई होगी तो भाई उसके पास तुझे जरूर से मिल जाएगी, तू कार डीलर के पास जा, मुझे तो नहीं पता है। कार डीलर? अबे हाँ हाँ टिप्सन तू बिल्कुल सही कह रहा है, वो ना कार डीलर के पास जरूर से मिल जाएगी शायद से वो वाली कार, तो मुझे ना कार डीलर के पास जाके देखना चाहिए वो कार ना मुझे वहाँ पे जरूर मिल जाएगी। हाँ हाँ रो पीरो, तू ना उसके पास जाके देख, कार डीलर के पास जरूर से मिल जाएगी वो वाली कार। तो चलो गाइस जल्दी से चलते भाई अपने
वहाँ पे भाई कार डीलर के पास गए, उससे ही पूछेंगे कि भाई अबे यार फिर से टुक गए यार, ये बात नहीं करेंगे, देख भाई ये वाली बाइक पूरी बेकार है। गजब बेइज्जती है तेरी तो, बेकार बाइक पर दो तो क्या करे भाई, कार डीलर के पास चलते फिर उससे से पूछेंगे कि भाई आखिरकार हमको वो महिंद्रा स्कॉर्पियो कार भाई कैसे मिलेगी। तो चलो गाइस जल्दी से चलते भाई कार डीलर के पास। और गाइस आप सभी लोग भाई तब तक एक काम कर दो भाई, जल्दी से भाई वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो भाई रोपी रो वेस्टर्न की न्यू वीडियो देखने के लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भाई कार डीलर के पास, यार फिर से कितनी गिराएगी भाई ये कार। अबे कार डीलर तेरे पास वो वाली कार हुई है, मतलब तेरे पास वो वाली कार आई हुई है भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो। अबे ओए रो बीरो तुझे किसने बताई भाई इस कार की, ये तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बात है, तुझे किसने बताई महिंद्रा स्कॉर्पियो कार के बारे में। कार डीलर भाई वो सब तू जोड़ भर मुझे ये बता, ये वाली कार मुझको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। हाँ हाँ रो बीरो तुझे ये कार मिल तो जाएगी, पर तुझे ना इसके लिए मेरा एक मिशन करना पड़ेगा। ये दिख रहा है भाई तुझको नीला घेरा, तुझे ना इसमें खड़ा होके भाई मेरे लिए भाई एक काम करना पड़ेगा भाई, मैं तुझ पे एक कार मंगाऊंगा, वो कार तुझे मुझे ला के देनी होगी, तभी मैं तुझको ये महिंद्रा स्कॉर्पियो वाली कार दे दूंगा जो मेरे घर के अंदर रखी हुई है। ठीक है भाई कार डीलर। तो गाइस आपको भाई यहाँ पे ये नीला घेरा दिख रहा है ना, मतलब दोस्तों कुछ भी कह लो भाई, ब्लू सर्कल पता नहीं दोस्तों कुछ भी कह लो दोस्तों, हमें ना इसके अंदर खड़ा होना है और दोस्तों बस स्टार्ट पे भाई क्लिक करना है और कंटिन्यू करते जाना है। तो गाइस फिर दोस्तों हमको ना भाई ये एक कार देगा भाई, और भाई हमको वो कार लेके आनी है। और गाइस इसने ना मुझको वो कार बता तो दी है, पर गाइस वो कार ना हमको भाई अपने वाइस टर्न में भाई देखनी पड़ेगी दोस्तों। आपको भाई यहाँ पे अभी दिखी थी ना भाई स्क्रीन पे, गाइस वही वाली कार हमको लेके आनी। तो चलो गाइस देखते कहाँ पे मिलेगी भाई हमको वो वाली कार। तो गाइस मुझको यहाँ पे भाई कहीं पे भी भाई वो वाली कार दिखाई नहीं दे रही है। और गाइस इस जेट पैक से ना दोस्तों हमको ना बहुत ज़्यादा फायदा हो गया भाई, क्योंकि दोस्तों हम ना वैसे ढूंढते ना भाई भाग भाग के या फिर अपनी बाइक से, तो अभी दोस्तों हमको वो वाली कार मिलेगी नहीं। तो दोस्तों इससे ना हम दूर से देख लेंगे भाई वो वाली कार, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जल्दी से मिल भी जाएगी। पर दोस्तों बहुत ज़्यादा देर दौड़ने के बाद भी भाई मुझको वो वाली कार दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं दोस्तों कहाँ पे है। और गाइस दिख गई भाई दिख गई दोस्तों, उसका निशान आ गया भाई मेरे पास दोस्तों, यही पे है भाई वो वाली कार। और गाइस ये रही, हाँ भाई सेम टू सेम भाई यही कार है। तो चलो गाइस इस वाली कार को लेके भाई जल्दी से चलते भाई कार डीलर के पास, और दोस्तों उसको दिखाएंगे कि दोस्तों ये आ गई भाई अपनी कार, अब जल्दी से भाई हमारा हमको हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो दे दे। तो गाइस इसी बात पे भाई सभी लोग जल्दी से भाई वीडियो को एक लाइक करो भाई भाई, और भाई चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लो भाई जल्दी से भाई। तो चलो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, और जल्दी से भाई इस कार डीलर को भाई देते हैं इस वाली कार को। और दोस्तों इसकी टक्कर भी लगी भाई बहुत ज़्यादा तेजी से, पर कोई नहीं दोस्तों जल्दी से भाई इसको देते भाई कार डीलर को ये वाली कार। अबे कार डीलर ये ले भाई मैं ले आया तेरे लिए इस वाली कार को, अब मुझे जल्दी से भाई मेरी स्कॉर्पियो वाली कार दे दे भाई। अबे ओए रो बीरो तू ना पहले मेरे पास आ, तू पहले ना मेरी एक जरूरी बात सुन। कौन सी बात कार डीलर भाई जल्दी से बताओ मुझको। रो बीरो ये कार ना हमारे वाइस टाउन में सिर्फ एक ही है, अगर तू इसको ले जाएगा ना तो ये कार तुझे फिर नहीं मिलेगी। अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं कार डीलर तू जल्दी से भाई कार दे। तो गाइस भाई स्कॉर्पियो कार भाई दे दी भाई कार डीलर ने हमको। और गाइस इस वाली कार का भाई शायद देखो भाई आप एक बार भाई, कई ज्यादा मस्त कार है भाई, आप देखो भाई ये कितनी ज्यादा मस्त कार दी है भाई उस कार डीलर। और गाइस इस वाली कार को ना उसको दे रहे हैं भाई लिटिल सिंगम को। तो गाइस आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि दोस्तों हम वाली इस वाली कार हम लोग इस वाली कार को ले या ना ले। तो चलो गाइस इस वाली कार को भाई जल्दी से भाई उसको दे देते भाई लिटिल सिंगम को। दोस्तों हम यहाँ पे लेके आ गए भाई उसके घर पे। तो चलो गाइस अब दोस्तों हम ना ऐसा करते सीधा भाई उसके पास चलते हैं, और दोस्तों उससे कह देते हैं कि भाई तेरी कार ना वहाँ पे खड़ी हुई है, तो दोस्तों जल्दी दोस्त को आवाज देते हैं। अबे लिटिल सिंगम, अबे भाई लिटिल सिंगम, अबे यार मैं दोस्तों इतनी दूर से उसको आवाज दे रहा हूँ कहाँ से सुन लेगा भाई वो। तो चलो गाइस आप उसके घर के पास आ गए। अबे लिटिल सिंगम मैं आ गया भाई रूपी रो तुम्हारे लिए कार लेके। लिटिल सिंगम रो पीरो तो तुम मेरे लिए लेके आ गए उस स्कॉर्पियो वाली कार को। हाँ हाँ लिटिल सिंगम मैं तुम्हारे लिए उस वाली कार को लेके तो आ गया, पर उस वाली कार को ना लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, हमें ना उसके लिए एक कार देखनी पड़ी, टिफिन के पास गए फिर जाके हमको वो वाली कार मिली। अरे कोई बात नहीं रोपियो तुम मेरे लिए कार तो ले आए, रोपियो तुम्हारा ना बहुत बहुत शुक्रिया तुम मेरे लिए इस वाली कार को ले आए, मुझे ना इस वाली कार की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि ये वाली कार ना बहुत ज्यादा मस्त लगती है। हाँ हाँ लेटेस्ट देखा वो सब तो ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ मुझे ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो गाइस हमें ना उसके पास से आ गया लेवी वाले लिटिल सिंगम के पास से, क्योंकि गाइस वो ना बहुत ज्यादा देर तक हमसे बात ही करता रहता है, क्योंकि गाइस हम उसके लिए ना वो लेके आ गए भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो वाली कार। तो गाइस कैसी लगी भाई आप सभी को आज की ये वाली वीडियो, गाइस कमेंट करके जरूर से बताना। गाइस का वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो गाइस आप सभी लोग ना जल्दी से भाई एक एक लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाओ। गाइस इस वाली वीडियो में भी हम लाइक एम रखते हैं गाइस 25 लाइक का, भाई सभी लोग जल्दी से करवा देना। और गाइस आपकी स्क्रीन पर ना कुछ वीडियो भी आ रही होगी,
तो गाइस आप सभी लोग ना उन वीडियो को भी क्लिक करके देख लेना। तो चलो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।